आज मेरा परम सौभाग्य है, मैं और हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी आज नवरात्रों के अवसर के ऊपर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां मनसा देवी के चरणों में आज हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। मैं नवरात्रों के महापर्व की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये त्योहार हमारी संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए हम घर से निकल करके ज्यादा मतदान करें, ऐसा मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं। नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। कल शाम को 6 बजे प्रचार रुका है और कल 5 तारीख को वोटिंग है। मैं इस प्रदेश के अंदर लगातार हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व आया है, उन्होंने आकर के लोगों के बीच में इंटरेक्शन किया है। प्रदेश का आज एक पॉजिटिव माहौल पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा है। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके तत्वाधान में प्रदेश को तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और लगातार जो प्रचार हुआ है, हमारा हर लोगों तक पहुंचना, उनसे मिलना, घर घर जाना, हमारा जो संकल्प पत्र है उसको घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना, हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लग करके कि पार्टी का, हमारी सरकार का विजन क्या रहने वाला है, उस विजन को प्रदेश के लोगों के सामने रखा है। प्रदेश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, हमें पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों को पुनः नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, कांग्रेस दावा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस दावा करते हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। दावा करने के लिए किसी को रोका नहीं जाता। कोई आजाद खड़ा होगा वो भी दावा करेगा, वो भी कहेगा कि मैं, उसके अपने समीकरण होते हैं कि मैं जीतूंगा। परंतु हमने पिछले 10 वर्षों में जो लोगों के हित में, जो प्रदेश के हित में जितने भी कदम उठाए हैं, वो कदम प्रदेश की मजबूती को, प्रदेश को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के उठाए हैं। लोगों को उनका जबरदस्त लाभ मिला है। मेरा हरियाणा पिछले 10 वर्षों के अंदर विकसित हरियाणा बना है। आने वाले समय के अंदर हमने ये संकल्प लिया है कि हरियाणा को तीव्र गति से विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और लगातार हम जो भी सुविधाएं प्रदेश के लोगों को चाहिए या उनकी तरफ से जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों के ऊपर काम करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कौन से बड़े मुद्दे हैं सर जिन पर? नहीं, देखिए, हम उसकी देखते नहीं है, क्योंकि अशोक तंवर जी कई पार्टियों में रहे हैं, एक पार्टी में तो रहे नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों का लगभग स्वाद चखा है। और
उनकी इच्छा है, जैसी जिसकी इच्छा होती है वो उन्होंने कुछ सोचा होगा, ठीक सोचा होगा, परंतु प्रदेश के लोग जानते हैं, सभी पार्टियों का स्वाद चखा है। कौन से बड़े मुद्दे जिन पर जनता वोट करने जा रही है हरियाणा में, मुद्दे कौन से बड़े हैं, किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता, कौन से आपको मुद्दे लगे? देखिए, हमने कहा है कि हम विकास को लेकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर बड़े बड़े निर्णय किए हैं। अगर हम देखें कितनी गति से हरियाणा का विकास पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है, आज हरियाणा का हर जिला 4 लाइनिंग से जुड़ा है। आज हरियाणा के 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज खड़े हुए हैं। 8 तारीख के बाद जो शेष बच्चे हैं वो भी खड़े हो जाएं, गति से काम चल रहा है 22 के 22 जिलों में। पिछले 10 वर्षों में हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए कॉलेज खड़ा हुआ है। आज हजारों की संख्या में बेटियां जो पढ़ नहीं पाती थी, माँ बाप दूर कॉलेज होने के कारण नहीं भेज पाते थे, आज लाखों की संख्या में हरियाणा में बेटियां नजदीक कॉलेज होने के कारण अच्छी एजुकेशन ले रही हैं। चाहे यूनिवर्सिटीज की बनाने की बात हो और चाहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर आईटीआईज बनाने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर लोगों के हित में, अभी हमने पिछले दिनों फैसला लिया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। मेरिट पर नौकरी मुद्दा है, बिल्कुल, ये हमारे लिए एक संकल्प है कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं विपक्ष की मंशा जो नजर आई है, कांग्रेस की मंशा जो नजर आई है, उनमें अभी से हिस्से बंटने शुरू हो गए हैं। कहावत भी है, सूतना कपात लठम लट्ठा, ना सरकार हरियाणा के लोग कांग्रेस की बना रहे हैं ना बन रही है, और ये पहले से अपने हिस्से बांटने इन्होंने शुरू कर दिए। भ्रष्टाचार को इनके मुख से जाहिर हो रहा है कि भ्रष्टाचार किस गति से बढ़ेगा अगर दुर्घटनावश ये हरियाणा में खड़े हो जाते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। सर, सत्ता में आए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले 8 तारीख को आप लोगों के बीच में बैठ करके चाय का कप आपके साथ पिएंगे, एक एक काम के ऊपर हरियाणा प्रदेश के आपसे शेयर करेंगे कि ये काम हमारे एजेंडे के अंदर है, हमने ये लागू करना है। तो हुड्डा साहब और शारदा जी के दिल मिल गए हैं, राहुल गांधी जी ने हाथ मिलवाए थे शारदा जी, हुड्डा जी नहीं? देखिए, दिल नहीं मिले हैं, दिल नहीं मिले, हाथ भी धक्के से मिलाए हैं। तो राहुल जी ने आकर के, राहुल साहब ने दोनों के हाथ पकड़ करके मिलाए हैं। जिन दिलों में दूरियां बहुत है, जिन दिलों के अंदर छेद कर दिए हैं जाति सूचक शब्द बोल करके, जो आंसू भी आंखें नहीं रोक पाई, इस प्रकार से अपमानित करने का काम दलित समाज को किया है, तो कहां दिल मिल जाएंगे? दलित को अपमानित, दलित को पीड़ित करने का कांग्रेस की ये परंपरा रही है, और कांग्रेस नहीं चूकती दलितों का अपमान करने में, ये इनके डीएनए के अंदर है।